मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कौन सा चैप्टर है हमारा? थर्ड चैप्टर, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। ठीक है, तो कौन सा चैप्टर का नाम है? अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। अब इस चैप्टर का एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। ठीक है, और या कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है, सबसे पहला बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है कर्व। ठीक है, तो कर्व का मतलब क्या है? वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ लाइन। ठीक है, हमारे पास जो लाइन होती है वो होती है एक स्ट्रेट लाइन, एंड समटाइम्स वी डू लाइक दिस। ठीक है, कुछ ऐसा बना देते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड कर्व। ऐसा जो लाइन होता है उसको हम क्या कहते हैं? कर्व, जो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता। ठीक है, और उसमें ओपन एंड्स भी होते हैं। ठीक है, उसमें क्या है? ये क्या है? ओपन कर्व है। दिस इज नोन एज ओपन कर्व। ये कैसा कर्व हो जाएगा मेरे पास? ओपन कर्व। नेक्स्ट जो मेरे पास आएगा दैट इज क्लोज्ड कर्व। ठीक है, तो ये सब क्यों बता रहे? क्योंकि फिर पॉलीगन भी पढ़ेंगे ना, क्लोज्ड पॉलीगन, ओपन पॉलीगन। तो अगर ये कर्व ऐसे पूरा बंद हो जाता है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे बंद हो जाता है। ठीक है, कंप्यूटर पे हाथ थोड़ा सही नहीं चलता तो ये ऐसे बंद हो जाता है। ठीक है, या फिर ऐसा बन जाता है। तो ये सब क्या है? मेरे पास क्लोज्ड कर्व है। देखो ये क्लोज हो गया है, यहाँ पर ये भी क्लोज हो गया है, यहाँ पर ये भी क्लोज है। तो इसको क्या बोला जाता है? क्लोज्ड कर्व। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? क्लोज्ड कर्व। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज़ आएगी दैट इज पॉलीगन। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज पॉलीगन। अब पॉलीगन क्या होता है मेरे पास? पॉलीगन इज अ काइंड ऑफ क्लोज्ड फिगर। ठीक है, जो सिंपल लाइन सेगमेंट से बनता है। ठीक है, एनी काइंड ऑफ क्लोज्ड फिगर। ठीक है, क्लोज्ड फिगर होगा। ठीक है, और कैसा होगा? उसमें कुछ लाइन सेगमेंट्स होंगे। ठीक है, उसमें क्या होंगे? लाइन सेगमेंट्स होंगे। तो अगर पॉलीगन का डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो अ सिंपल क्लोज्ड कर्व विच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। ठीक है, तो और सिंपल शर्ट में एनी क्लोज्ड फिगर इज नोन एज पॉलीगन। एनी क्लोज्ड फिगर इज नोन एज क्लोज्ड फिगर इज नोन एज पॉलीगन। ठीक है, तो कोई भी क्लोज्ड फिगर जो होगी वो मेरा क्या कहलाएगी? पॉलीगन कहलाएगी। अब वी आर कैटेगराइजिंग पॉलीगन इनटू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो मैं पॉलीगन को क्या कर रही हूँ? कैटेगराइज कर रही हूँ। ठीक है, कैसे? अगर मेरे पास कोई पॉलीगन है क्लोज्ड फिगर, ठीक है, ये क्लोज्ड फिगर है और इसमें कितना साइड्स हो गया मेरे पास? थ्री साइड्स हो गया। तो आई एम हैविंग थ्री साइड्स, तो उसको मैंने क्या बोल दिया? ट्रायंगल बोल दिया। ठीक है, उसको मैंने क्या बोल दिया? ट्रायंगल बोल दिया। अब यही अगर मेरे पास फोर साइड्स हो जाए, ठीक है, ऐसा नहीं कि फोर साइड ऐसा हो, फोर साइड ऐसा भी हो सकता है, फोर साइड ऐसा भी हो सकता है, या फोर साइड ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो सभी में कैसा साइड है? फोर साइड है। सभी में कैसा साइड है? फोर साइड है। अगर मेरे पास फोर साइड्स हो जाएगा तो उसको मैं क्या बोलूंगी? उसको बोलूंगी क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा? फोर साइड्स वाले को क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा? क्वाड्रिलेटरल। अगर यही आप मेरे पास फाइव साइड वाला हो जाए, ठीक है, पांच साइड वाला हो जाए, ठीक है, तो पांच साइड वाले को क्या बोला जाएगा? पेंटागन। क्या बोला जाएगा? पेंटागन। अब यही अगर मेरे पास सिक्स साइड्स का हो जाए तो उसको क्या बोला जाएगा? हेक्सागन। ठीक है, सिक्स साइड्स वाले को क्या बोला जाएगा? हेक्सागन। ऐसे ही अगर सेवन साइड वाला हो जाए तो उसको क्या बोला जाएगा? हेप्टागन। और एट साइड का हो जाएगा तो ऑक्टागन। नाइन साइड्स का हो जाएगा तो नोनागन। टेन साइड्स का हो जाएगा तो डेकागन। एंड इट विल कंटिन्यू लाइक दैट। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे नाम्स होते हैं, मैं कुछ नाम्स लिख देती हूँ। जैसे सेवन का मैंने क्या बोला था? हेप्टा। ठीक है, हेप्टागन। सेवन साइड की फिगर को बोला जाता है हेप्टागन। ठीक है, ऐसे बनेगा ये सेवन साइड्स का। अगर एट साइड का हो जाएगा तो वो ऐसे बन जाएगा और उसको बोला जाएगा ऑक्टागन। ठीक है, इसके आगे अगर नाइन साइड का होगा तो नोनागन, एंड टेन साइड्स का होगा तो डेकागन। ठीक है, तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स वी आर कैटेगराइजिंग पॉलीगन। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो आती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायगनल। अब डायगनल जो है, वैसे तो पहले भी पढ़ा होगा कि नॉन एडजस्टिंग, नॉन एडजॉइनिंग साइड्स को जो ज्वाइन करती है लाइन उसको डायगनल बोला जाता है। ठीक है,
तो नेक्स्ट चीज जो हम देखने वाले हैं दैट इज डायगनल। अब ये डायगनल्स कहाँ से आएंगे? ये डायगनल्स इन्हीं फिगर्स में से आएंगे। कौन सी फिगर्स में से आएंगे? ये जो हमने पॉलीगन्स पढ़े इन्हीं पॉलीगन्स में से निकल कर आएंगे। ठीक है, तो डायगनल क्या होता है कि नॉन एडजॉइन, दो वर्टेक्सेस को ज्वाइन करना है जो कि एडजेसेंट ना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैं समझा रही हूँ कि मेरे पास इसमें कितने वर्टेक्स है, 1, 2, 3 एंड 4, आई एम हैविंग 4 वर्टेक्सेस। ऐसे कोई भी दो वर्टेक्स जो आजू बाजू ना हो, जो एडजेसेंट ना हो। ठीक है, तो जैसे ये है और इसका एडजेसेंट ये हो जाएगा और इसका एडजेसेंट ये हो जाएगा, तो इन दोनों को ज्वाइन ना करके जो एक बच रहा है उसको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो इस चीज को क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा डायगनल। ये क्या है मेरे पास? डायगनल। अब जहां पर मेरे पास 4 साइड वाली फिगर होगी तो वहां पर मेरे पास कितने डायगनल्स हो जाएंगे? 2 डायगनल्स हो जाएंगे। ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, नाउ योर होमवर्क इज, अब अपना होमवर्क दिमाग लगाओ और मुझे ये बताओ कि अगर ये 5 वाला है, ठीक है, दिस इज अ पेंटागन, इसमें कितने डायगनल्स होंगे? ठीक है, तो चलो फॉर रेफरेंस आई एम गिविंग यू सम आइडियाज ताकि हेक्सागन का फिर आप पता करेंगे। तो पहला देखो, ये ज्वाइन कर दिए, ठीक है, पहला डायगनल, ये दूसरा डायगनल। ठीक है, अब ये भी तो बन सकता है ना, ये वाला, ठीक है, ये इससे ज्वाइन होगा और ये वाला इससे, तो मेरे पास कितने डायगनल्स बन गए? अभी बताओ, और भी कोई बन रहा है डायगनल तो बता दो। सो 1, 2, 3, 4, सो हाउ मेनी डायगनल्स आई एम हैविंग इन दिस? 4 डायगनल्स। ठीक है, तो मेरे पास कितने डायगनल्स हैं? 4 डायगनल्स हैं। अब ऐसे ही आप हेक्सागन का पता करेंगे, तो ये अभी मैंने किसका पता किया था? पेंटागन का। ठीक है, सो दिस इज अबाउट पेंटागन। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट फॉर हेक्सागन, तो आपको किसके लिए कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट फॉर हेक्सागन। ठीक है, हेक्सागन के लिए कैलकुलेट करेंगे, ये आपका होमवर्क है। अब इसको कैलकुलेट करने का मेरे पास एक तरीका भी है, मतलब एक फॉर्मूला भी है। ठीक है, तो हम लगे हाथ वो फॉर्मूला भी डिस्कस कर लेते हैं कि नंबर ऑफ डायगनल्स किसी भी पॉलीगन में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो उसका एक फॉर्मूला है। सो नंबर ऑफ डायगनल्स इन अ पॉलीगन, इन अ पॉलीगन कैसे कैलकुलेट किया जाता है? उसका फॉर्मूला है एन एन माइनस थ्री डिवाइड बाय 2, एन एन माइनस थ्री डिवाइड बाय 2। अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज दिस एन? सो एन कुछ भी नहीं है, नंबर ऑफ साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। अब हमने पॉलीगन पढ़े हैं, ऑक्टागन, हेप्टागन, हेक्सागन, पेंटागन, तो उसमें क्या है? नंबर ऑफ साइड्स सबका चेंज हो रहा है, तो एन क्या है? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। तो जो भी आपको पॉलीगन दिया गया है उसका नंबर ऑफ साइड्स है। ठीक है, तो अब जैसे हम चेक कर लेते हैं, अभी हमने पता किया है, ठीक है, तो अभी हमने 2 का कैलकुलेट किया है, क्वाड्रिलेटरल का चेक करते हैं। ठीक है, चेकिंग फॉर क्वाड्रिलेटरल, सो द वैल्यू ऑफ एन इन द केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 4। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल के लिए वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास? इसका वैल्यू हो जाएगा 4। सो 4 4 -3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, सो विच इज इक्वल टू 4 × 1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, अब हमने एक और का किया था, किसके लिए किया था? हमने पेंटागन के लिए भी किया था। हमने किसके लिए किया था? पेंटागन के लिए किया था। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं पेंटागन के लिए भी होगा कि नहीं। सो द वैल्यू ऑफ एन फॉर पेंटागन इज 5। ठीक है, तो अब हम किसके लिए कर रहे हैं? पेंटागन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है? नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स -3 डिवाइडेड बाय 2, सो विच इज इक्वल टू 5 × 2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 5, विच इज इक्वल टू 5। तो हमने यहाँ पर एक डायगनल मिस कर दिया, ये वाला, तो नंबर ऑफ डायगनल्स इन अ पेंटागन इज 5, नंबर ऑफ डायगनल्स इन अ पेंटागन इज 5। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे मेरे पास? 5 हो जाएंगे। ठीक है, कितने डायगनल्स हो जाएंगे मेरे पास? 5 डायगनल्स हो जाएंगे। तो पेंटागन में मेरे पास कितने डायगनल्स हैं? 5 डायगनल्स हैं। ठीक है, तो आप अपना आंसर ऐसे चेक भी कर सकते हैं, आपको डायग्राम बना के एक्चुअल में डायगनल्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक्चुअल में डायगनल्स कैलकुलेट
बनाने की जरूरत नहीं है, आप इस फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज जो आ रही है दैट इज कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, तो अब मेरे पास टू टाइप्स ऑफ पॉलीगन है, कौन कौन से, कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, अब इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब भी डायगोनल से ही रिलेटेड है और एंगल से भी रिलेटेड है, तो वो भी बता देंगे। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी ऐसा फिगर जिसके डायगोनल्स फिगर के अंदर ही बनते हों, जैसे दोनों डायगोनल्स इसी के अंदर अगर बनेंगे, तो ये मेरे पास कैसा फिगर हो जाएगा, कॉन्वेक्स फिगर हो जाएगा, ये मेरे पास कैसा फिगर हो जाएगा, कॉन्वेक्स फिगर हो जाएगा। और अगर किसी भी ऐसी फिगर के डायगोनल्स जो बाहर से बने, तो उसको मैं क्या बोलूंगी, कॉनकेव, उसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव। तो जैसे ये भी 1 2 3 4, ठीक है, और 1 2 3 4, तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है और ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, पर इसका ये वाला डायगोनल तो अंदर बनेगा, पर ये जो डायगोनल बनेगा ना, ये इस फिगर के बाहर बन रहा है, ये जो आपका फिगर है इसके बाहर बन रहा है, देखो ये वाला। ठीक है, तो ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल की वजह से ये डायगोनल बाहर है, तो जब एक डायगोनल आपका बाहर बनता है, तो उस टाइप के फिगर को क्या कहा जाता है, कॉनकेव फिगर कहा जाता है। और इसको दूसरा जस्टिफाई करने का या पहचानने का तरीका है कि इसका एक एंगल जो है वो 180 डिग्री से ज्यादा होगा। कॉनकेव पॉलीगन में जैसे हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स होंगे, चार एंगल्स होंगे, तो चार में से एक भी, कोई भी एक एंगल जो है वो 180 डिग्री से ज्यादा का होगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, कॉनकेव पॉलीगन, उसको क्या बोला जाएगा, कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, तो अब जो है हम इसके बाद एक एंगल सम प्रॉपर्टी और आएगी, वो हम जब थ्योरम है वी विल प्रूव दैट। नाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड विद द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अपने एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो ये जो है मिल जाएगा आपको। हाँ ठीक है, तो अब निकालेंगे अपनी बुक का पेज नंबर 30 41, बुक का पेज नंबर निकालेंगे 41। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1, पेज नंबर 41 पे है। तो यहाँ पर कुछ फिगर्स दी गई हैं, ठीक है, और इनको आपको क्लासिफाई करना है। ठीक है, सिंपल कर्व, ठीक है, आपको क्लासिफाई किस में करना है, सिंपल कर्व में करना है, सिंपल क्लोज्ड कर्व में करना है, पॉलीगन में करना है, कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन। तो ये सारी चीजें अभी हमने पढ़ी हैं। ठीक है, अभी तो हमने सारी चीजें पढ़ी हैं, तो सिंपल कर्व कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल कर्व कौन कौन से फिगर है इसमें से आपको वो बताना है। ठीक है, तो सिंपल फिगर्स जो है, सॉरी, सिंपल कर्व कौन कौन सी है वो आपको बताना है। तो पहली फिगर क्या सिंपल कर्व है, भाई बिल्कुल है, सिंपल कर्व क्या होता है, सिंपल लाइन होती है, तो इसमें तो लाइन है, तो पहली फिगर क्या है मेरे पास, सिंपल कर्व है। ठीक है, तो पहली फिगर मेरे पास क्या हो जाएगी, सिंपल कर्व। सेकेंड वाली में भी सिंपल कर्व है, बिल्कुल है। थर्ड, नहीं, ये कैसा कर्व है मेरे पास, ये सिंपल कर्व नहीं है, ये मेरे पास ओपन कर्व टाइप हो जाएगा। ठीक है, तो फिगर 5 सिंपल कर्व है, क्लोज है। ठीक है, 6 जो है वो सिंपल कर्व है और 7 जो है दैट इज ऑल्सो सिंपल कर्व। ठीक है, अब कह रहे हैं क्लोज कर्व कौन कौन से हैं। ठीक है, तो क्लोज मेरे पास 1 है, 2 है। ठीक है, अब ये जो है मेरे पास 5 जो है वो क्लोज है, 6 भी क्लोज है, 7 भी क्लोज है। ठीक है, तो मेरे पास 7 भी जो हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, पॉलीगन कौन 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 से हैं इनमें से। अब देखो पहला वाला तो पॉलीगन है भाई, ये तो पॉलीगन है ही है। ठीक है, नाउ दिस इज ऑल्सो अ पॉलीगन। ठीक है, ये भी मेरे पास एक पॉलीगन है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि तीसरा मेरे पास पॉलीगन है, तीसरा बिल्कुल नहीं है मेरे पास पॉलीगन। ठीक है, अब कह रहे और चौथा, चौथा भी नहीं हो सकता क्योंकि लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो किसी भी पॉलीगन के अंदर लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है। अब पॉलीगन जो है वो स्ट्रेट लाइन से बनता है, तो ये भी पॉलीगन नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो मेरे पास पॉलीगन सिर्फ दो ही है, कौन सा, फर्स्ट फिगर और सेकेंड फिगर। ठीक है, मेरे पास दो ही पॉलीगन। अब नेक्स्ट पूछ रहा है कि कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अब पॉलीगन जब मेरे पास दो हैं, तो उन्हीं दोनों में से देखूंगी कि कॉन्वेक्स मेरे पास कौन कौन से हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स मेरे पास कौन कौन से हैं। ठीक है, तो
तो एक ही है, देखो इसका एक डायगनल बाहर बनेगा तो ये तो कॉनकेव हो जाएगा, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड फिगर जो है वो मेरे पास कॉन्वेक्स पॉलीगन हो जाएगा। एक कह रहा है कि कॉनकेव, तो कॉनकेव पॉलीगन बचा ही मेरे पास एक है, तो ये मेरे पास कैसा हो जाएगा, कॉनकेव पॉलीगन। क्लियर, इतना समझ आया? इतना समझ आया। चलो नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डायगनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो अभी तो मैंने फॉर्मूला भी बताया है, तो कह रहा है क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितने डायगनल्स हो सकते हैं, तो मेरे पास कितने डायगनल्स हो सकते हैं, दो। रेगुलर हेक्सागन के अंदर कितने हो सकते हैं, तो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था एन माइनस थ्री बाय टू। ठीक है, तो आप चाहें तो डायगनल्स ड्रॉ भी कर सकते हैं और नहीं तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 6 × 6 − 3/2 विच इज इक्वल टू 6। तो हाउ मेनी डायगनल्स आई एम हैविंग इन अ हेक्सागन इज 9 डायगनल्स। ठीक है, आप फिगर देखना चाहें तो फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, ये देखिए क्वाड्रिलेटरल के अंदर मेरे पास ये वाला एक डायगनल है और एक ये वाला डायगनल है, और ऐसे ही हेक्सागन के अंदर 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, ठीक है, 7, 8 और ये वाला 9। सो आई एम हैविंग 9 डायगनल्स इन दैट। आप कह रहे हैं कि ट्राइंगल के अंदर कितने हैं, ठीक है, तो ट्राइंगल के अंदर देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, एक लौता ऐसा पॉलीगन है जिसके अंदर कोई डायगनल नहीं होता। ठीक है, चलो तो पहला फॉर्मूला से करते हैं और फिर फिगर से करेंगे। ठीक है, एन माइनस थ्री बाय टू। ठीक है, तो अब वैल्यू डाल दो, टाइम कितना होता है भाई इसमें, कितने थ्री साइज होती है, 3 − 3/2 विच इज 3 × 0/2 विच इज 0। ठीक है, अब डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देखो ये डायग्राम यहाँ साइड में कर रखा है, तो फॉर्मूला से तो आंसर आ गया मेरे पास 0। अब देखो क्या कहता है डायगनल का डेफिनेशन, क्या कहता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायगनल का डेफिनेशन। डायगनल का डेफिनेशन कहता है कि ये जो मेरे पास वोर्टेक्स है इसके एडजॉइनिंग नहीं होने चाहिए, तो इससे लगता हुआ ये भी है और इससे लगता हुआ ये भी है और इसके अलावा यहाँ पर कोई और वर्टेक्स नहीं है, तो डायगनल के डेफिनेशन के हिसाब से ही ट्राइंगल के अंदर कोई डायगनल नहीं होना चाहिए, क्योंकि तीनों ही एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं। जो भी आपके पास एक आपने पकड़ लिया तो बाकी दोनों उसके एडजेसेंट होते हैं। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बीच बीच में जो कुछ होमवर्क दिया था वो भी आप कर लीजिएगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, और क्वेश्चन नंबर, हाँ 3, चलो क्वेश्चन नंबर 3 इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका होमवर्क है, तो एज ए होमवर्क यू विल डू। नाउ व्हेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास वी विल मूव अहेड विद क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू बच्चों।